नमस्कार, मैं राजनीति के बारे में बात करूंगा। हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जितने घपले किए हैं, इतने आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किए। और इन्होंने कुर्सी लेने के बावजूद किसी भी डिपार्टमेंट को अपने पास नहीं रखा था। और कहते हैं बहुत ईमानदार हूँ। और इसने जितने भी घपले किए हैं, ये इतने अच्छे ढंग से किए हैं कि दूसरा पकड़ने वाला इसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसने किसी फाइल पे साइन किए नहीं। साइन करने के लिए इसके पास स्टाफ था। और जेल में जाके कहता कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष नहीं है। किसी भी रोड को देखो, किसी रोड का पानी नहीं है जो कि नालियों से निकल जाए। सब नालियाँ बंद पड़ी हैं, रोड सारे खुदे पड़े हैं। और कहता मैं तो इसको स्वर्ग बनाऊंगा। स्वर्ग कहाँ से बनाया, इसने तो नर्क बना के रख दिया। और जितने भी इसने मोहल्ले क्लिनिक बना रखे हैं, इनमें कुत्ते और सुअर लेटते हैं। यहाँ पे कोई किसी का इलाज नहीं होता। और इसने पता नहीं कितने के रूपों में पैसा ठगा है। और ये अपने घर का पैसा लगा रहा है, यह हमारे टैक्सों का पैसा है। और मुसलमानों को सब मस्जिदों में पैसे दे रहा है। किसी हिंदू मंदिर में पैसा दिया इसने? मुसलमानों का रूप फट धारण कर लेता है, उनकी टोपी पहन लेता है। मुसलमानों को मान्यता दी इसने, हिंदू को तो मान्यता दी नहीं। और मैं तो इस बात से खुश हूँ कि हरियाणा में इसको एक भी वोट नहीं मिला ढंग से। जितने भी इसने खड़े किए थे, सब के सब हारे हैं। जम्मू में बदनसीब हैं वो जिन्होंने इसके आदमी को वोट दिया, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ हिंदुस्तान को जैसे कांग्रेस ने बेचा था चाइना को, ऐसे ये खालिस्तानियों को बेचना चाहता था। खालिस्तानियों से इसने खूब पैसा कमाया। अब दिल्ली में कहता है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जो मूर्ख होगा हमारा दिल्ली का, वही इसको वोट देगा। जो असली हिंदू होगा कभी वोट नहीं देगा। हिंदू जो है, ये सिर्फ मोदी के आने के बाद इनकी पूछताछ हुई, इससे पहले हिंदू की पूछताछ ही नहीं थी। और जहाँ पे बीजेपी को छोड़ के दूसरी सरकारें, वहाँ पे हिंदुओं को फटाफट क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं। तो एक नहीं, कई दोष हैं। जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपने आप को लिखता पंडित था, मुसलमान पंडित नहीं था। 1954 में इसने एक कानून बनाया कि आयुर्वेदिक दवाई कोई नहीं खानी, सब एलोपैथिक दवाइयाँ खाएं। जबकि एलोपैथिक दवाई में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। इसमें कोबरे सांप का जहर, बिच्छू का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा होता है। सुबह जो आप दातन करते हैं, इसमें भी मरे हुए जानवरों का ढेर का चूरा और केमिकल मिला हुआ है। ये आपको लाभ नहीं देता, नुकसान ही देता है। और सन 2014 में यदि मोदी जी ने आए होते तो आज हिंदुस्तान चाइना के अंडर होता। परंतु भगवान की देन समझो कि मोदी ने आके हिंदुस्तान को तो बचाया बचाया, और भी देशों को बचाया है। अब जितने भी हमारे आड़ पड़ोस के हैं, इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान को है। और कश्मीर में बाप बेटे को है। आज भले ही उन्होंने 42 सीटें जीत ली हैं, और भगवान ने चाहा तो ये गद्दी पे बैठ भी जाएगा तो 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं काटेगा। 6 महीने से अंदर अंदर ही इलेक्शन जो है, फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएगा। क्योंकि इन्होंने वादा किया कि 35A
370 लाएंगे, वो कभी नहीं आ सकती इस जन्म के, अगले जन्म नहीं आनी। आज जितने भी संसार के अंदर बीजेपी को छोड़ के जितने जितनी भी पार्टियां हैं, सब ने पैसा कमाने का ढंग सोचा है। अब यूपी में जो आदमी दिन में भी अकेला चलने से डरता था, आज रात को भी कैसे चलता खुलेआम। तो शासक ऐसे होने चाहिए जैसे योगी जी। योगी जी ने कोई गलत काम नहीं किया आज तक, और ऐसे भी जिसने भागवत वस्त्र धारण कर लिया और ईमानदारी से किया, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। परंतु जिसने दिखावे में भागवत वस्त्र पहन लिया, अंदर से कालापन है, वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, हमेशा बुरा ही करेगा। और आज पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्दशा दिल्ली की है, और दिल्ली में सैन बाग वाला, किसानों वाला आंदोलन की सारी देन जो है केजरीवाल की है, दूसरे नंबर पे राहुल की है। इन दो आदमियों ने राजनीति में इतनी गंदगी डाल दी है कि आप सालों भी साफ करेंगे तो भी नहीं होगी। और मैं तो दिल्ली वासियों से एक ही निवेदन करता हूँ कि मुफ्त का खाना छोड़ दें, मुफ्त का खाना कभी नहीं पचता। हलाल का खाना खाएंगे, कम खा लो, कभी पेट खराब नहीं होगा, बीमारी होगी नहीं। जिसको दो रोटी की भूखा चार खाएगा तो चाय पाई पकड़ेगा। आज जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ देखिए क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। अपना हिमाचल सबसे अच्छा था, आज उसमें लैट्रिन सीट पे 25 रुपए की टैक्स लगा दी। आपके पास एक लैट्रिन है तो 25 रुपए, दो है 50 रुपए, चार है तो 100 रुपए। और झूठे झूठ बोल के कि मैं इनको पैसा दे रहा हूँ, पैसा किसी को नहीं दे रहा है, ये पैसा सारा अपनी जेबों में जा रहा है। और हमारी हिमाचल की तो इतनी भोली भाली जनता है कि इनको जैसे बकाते बकाव में आ जाती है। सन 1970 में जब संत कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम हिमाचल की हालत थी कि जहां पे खचरा नहीं जाती थी, वहां पे जब पंजाब से हिमाचल में काट के जो इलाका दिया था, उसमें जहां घोड़े खच्चर नहीं जा सकते, वो पक्की सड़कें बना के दी थी प्रताप सिंह कैरो ने। तो बाद में देखिए करनाल में कैसा उसका हाल हुआ। और आज ये कहती है कि इंदिरा जी गोली से मारी, इंदिरा गोली से भले मारी, इंदिरा के कर्म ले गए। जब इसको कोर्ट ने कहा था कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इमरजेंसी लगाई थी। यदि उस टाइम इमरजेंसी में जनसंघ के आदमी अंदर न किए होते तो भी इतना बखेड़ा नहीं होता। परंतु उस टाइम कुआरे लड़कों का भी जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया था, बहुत दुर्दशा थी। और जिन्होंने थोड़ा सा बोल दिया उसी को उठा के अंदर कर देते थे। आप बताइए मोदी जी ने किसी स्टेट पे, किसी राज्य पे कर्फ्यू लगाया या राष्ट्रपति शासन लगाया? अब जो कुछ बंगाल में हो रहा है, इसमें तो राष्ट्रपति शासन बड़ी जल्दी लग जाना था, परंतु इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया कि कानून जो करेगा वो होगा। और कांग्रेस इस चीज को नहीं देखती थी, जिसने सिर उठाया उसी को कुचल दे, उसी को मार दे, और उसकी इंक्वायरी नहीं होती थी। लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में
जब इंदिरा ने रसोइये से जहर दे के मराया तो उसका ऑपरेशन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? उसका मेडिकल होता है यहाँ। आप बताइए, सिंधिया जी जो मरे थे वो क्यों भेजे थे अकेले राज में सिर्फ मारने के लिए? आप ये कहें कि सोनिया जी बहुत पवित्र है तो मैं तो नहीं मानता। और असली हिंदुस्तान आज़ाद 1942 में हो गया था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, परंतु जवाहरलाल ने और गांधी जी ने डिक्लेयर नहीं होने दिया कि जब तक आप सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला नहीं देंगे हम बैठेंगे तो ये हमें राज नहीं करने देगा। और जवाहरलाल ने उस टाइम गृह मंत्री कौन बनाया था? अंग्रेज। और आज तक जो भी हमारा पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होता है, कोई भी विधेयक पास होता था, वो 5 बजे के बाद क्यों होता था? सब अंग्रेजों की चाल पे। और असली आज़ाद हिंदुस्तान 14 के बाद हुआ, परंतु इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं कि जहाँ पे मनमानी कर रहे हैं वहाँ पे उनके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। अब दिल्ली के अंदर रोहिया बांग्लादेशी कितने बसे आके, ये सब इन दो आदमियों की देन है, राहुल की और केजरीवाल की। यदि यहाँ पे ईमानदार आके सर्वे करे तो झुंगी झोपड़ियों में 80% आपको रोहिया और बांग्लादेशी मिलेंगे। और इन्हीं के ऊपर से नाच रहा कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, परंतु मैं तो कहता हूँ कि भगवान इस जन्म तो इसको मुख्यमंत्री के बनाना, आगे भी 7 जन्मों तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने बड़ी शोध की है और मैंने बहुत गहराई में सारी चीज़ें नापी हैं। आज तक जितने भी केजरीवाल ने काम किए हैं सब ठगी के काम किए हैं। पानी हमारी कॉलोनी में 2018 में बंद किया है और नालियाँ इसकी रबड़ की डाल दी हैं, कनेक्शन किसी को नहीं दिया। और रोड कंक्रीट के थे, नालियाँ 2018 से पहले जो थी उन नालियों के ऊपर सिंगल ईंट लगा के पीले रंग की और ऐसे प्लास्टर कर कर, यदि बारिश हो जाए और गाड़ी थोड़ी सी उसार हो तो नाली टूट जाती है। और अभी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें बाहर तो रोड दिखा दिया, अंदर जाके रोड वैसे के वैसे पड़े हैं। और सबसे बड़ी देन है कि पानी जो भी आता है वो भी साफ पानी नहीं आता, वो भी गंदा ही पानी आता है। अब आतिशी कहती है कि मैं तो भारत का रूप हूँ, केजरीवाल तो राम जी का रूप है, तो क्यों राम भगवान को बदनाम कर रही है? और तेरे अंदर इतनी काबिलियत तो काम करके दिखा, देखो रोडों का क्या हाल है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सब रोडों में जाम लग जाता है, कोई रोड ऐसा नहीं है जिस पे के जाम ना हो। और जो 10 मिनट का रास्ता हो 1 घंटे में ही पूरा नहीं होता, इतना जाम लगता है। तो मैं तो दिल्ली वासियों से, नगर वासियों से, गांव वासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले 4 या 6 महीने में जो दिल्ली में इलेक्शन होगा, इसमें जो हिंदू नहीं होगा असली वही आम पार्टी को वोट देगा। जो असली हिंदू होगा वो आम पार्टी को कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि आम पार्टी ने लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। कोई बसों का इतना अच्छा काम किया तो वो दिखा दे, कोई रोड अच्छा किया तो वो काम दिखा दे, किसी को शुद्ध पानी पीने के लिए दिया तो वो दिखा दे। और जितने भी
मोहल्ला क्लीनिक बना रखे, इसमें किसी का इलाज हुआ तो दिखा दे। झूठी रिपोर्टें दिखाते हैं, सच्ची रिपोर्ट कोई नहीं दिखाता। अब हमेशा मफलर बांध के चलता था, तो उसके बाद जब इसको ऐसे मिली तो अब मफलर कहाँ रहा हो? जब तैयार में तो कहता शुगर घट गई, शुगर बढ़ गई, आज कहाँ है वो? और जिस सी स्मैल में रहता था उसमें ताले लगा के क्यों आया? सब दिखावा का इसका। और इसने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया अन्ना हजारे को, और अन्ना हजारे की बदौलत ये आया है। पहले जो इसने रिजाइन दिया था तो दुनिया को परखने के लिए दिया था कि देखो मेरी 28 सीटें आई है, कांग्रेस को मिलकर मैंने सरकार बनाई, पर मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। तब इसने रिजाइन दिया था, और दोबारा अच्छे दिल्ली वालों ने सोचा भी बड़ा अच्छा है, इतने काम होने से इसने रिजाइन दे दिया, चलो इसी को बना दो। तो कितना बेवकूफ बनाया इसने। 10 सालों में एक भी काम ऐसा बता दें कि जिसमें इसने कोई सुधार किया हो। स्कूलों में जो लैट्रिन बाथरूम थे कमरे दिखा दिए, और कौन से स्कूल की इसने कोई बढ़ोतरी की है, किसी स्कूल को अच्छा रिजल्ट निकाला है? और स्कूलों में मास्टरों को कहिए आप एक कागज पत्र भर के जाओ, पढ़ाई की इतनी जरूरत नहीं है। अब वो मास्टर बोलने से डरते हैं, वो टीवी के माध्यम से बोल नहीं सकते, परंतु मेरा जिनसे संपर्क होता है जब मैं पूछता हूँ कहते हैं ये हमारे कागज नहीं पूरे होते तो हम करें क्या। आज प्राइवेट स्कूल भी कुछ ही ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई ठीक होती है, बाकी में सब में पैसा लूटने वाला काम है। और फीसें इतनी ज़्यादा कर रखी हैं बच्चों की कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और पढ़ाई जो कुछ अच्छी है आजकल वो प्राइवेट स्कूलों में है, गवर्नमेंट स्कूल में किसी में भी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है। रिजल्ट के हिसाब से देख लें, किसी हिसाब से देख लें कि कितना बुरा हाल है। आज तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, दिल्ली वासियों से भी और जो बाहर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि जो पार्टी हिंदुस्तान को नहीं उठा सकती उसको वोट नहीं देना, चाहे आप वोट डालो चाहे ना डालो। और इस टाइम जो पार्टी राज कर रही है, इस पार्टी ने किसी किस्म की कमी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ करके मैं बताऊंगा किस जगह क्या हाल कैसा है। नमस्कार। और आज हमारे बहुत से हिंदू भाई इतने प्रभावित है लहसुन प्याज अदरक से कि पूछो मत। लहसुन प्याज अदरक संसार की त्रिवेणी है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले ही आपको रोगों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन प्याज अदरक खाने से हर एक रोग से मुक्ति मिलती है। आज जो स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, सांस का रोग है, हार्ट अटैक है, किडनी है, सबकी रामबाण दवाई तो लहसुन प्याज अदरक ही है। और ये जो नए नए बुखार चले को मऊ की बात कहते हो, कुछ कहते हो कुछ, इसमें लहसुन प्याज अदरक खाने के साथ साथ प्याज को काट के जहाँ भी आपको फोड़ा फिंसी दिखाई पड़े प्याज को काट के ऐसे रगड़ो जैसे गंदे कपड़े को साबुन लगा के उसका मैल निखारते हैं, ऐसे वो गांठें खत्म हो जाती हैं। लहसुन प्याज अंदर से खून को साफ करता है, बाहर पर किसी किस्म के कीटाणु का असर है उसको भी नष्ट करता है। उदाहरण के तौर पे आपने लेना है तो अब लहसुन प्याज अदरक खा के और जो महक आती है मुँह से उसको बंद करने के लिए या तो थोड़ा सा गुड़ खा लें या फिर जीरे के दाने भून के मुँह में डालें, आपके मुँह से महक नहीं आएगी। परंतु जो आप सांस छोड़ेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ तक जाएगी वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे और आपको शुद्ध ऑक्सीजन अंदर आएगी, आपको रोग कहाँ से आएगा? रोग आने का मुख्य कारण है
ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, चौबिन, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, एसी, कूलर, पंखा, ये सबसे ज़्यादा बीमारी है। क्योंकि जब अमोनियम गैस अंदर जाएगी तो ऑक्सीजन की जगह अमोनियम गैस कहाँ से खून को साफ करेगी। आप नेचुरली वातावरण में रहना सीखिए, आपको कोई रोग नहीं होगा। आज से 50 साल पहले जितना प्रचार अब एसी का, फ्रिज का और इन तले हुई चीज़ों का हो रहा है, इतना पहले नहीं था। इतने रोगी कहाँ थे? आज जो शुगर इतने जोरों पे फैल रही है, ये सब आपके लीवर की देन है। जब आप लीवर को एक किस्म का कूड़ेदान समझ रखा है कि पेट खाना पचना ही नहीं, पैंक्रीन इंसुलिन नहीं बनाएगी, खाना पेट में जाके सड़ेगा, तो आपको शुगर होगी तो और भी बीमारियाँ होंगी। हमें शुगर की दवाई खाने को जरूरत नहीं है, ना एलोपैथिक को किसी रोग की दवाई बनी है। एलोपैथिक में जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ जहाँ पे आपको तकलीफ है उस को सुन करती हैं, रोग काटती नहीं है। फिर एक बार दवाई स्टार्ट करा ली तो इसकी डोज बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। परंतु आयुर्वेद जिसको जड़ी बूटियों की पहचान और जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता है, उसको ना तो रोगी से पूछना पड़ता है माँ बाप की बीमारी, दादा दादी नाना नानी की नहीं पूछना पड़ता तकलीफ कहाँ है। जैसे नाड़ी परीक्षण करते हैं तो नाड़ी परीक्षण में MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दे के मेरे पास जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% परमानेंट मिल जाता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराना है। गठिया का रोगी जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% परमानेंट राम मिल जाता है। 90% का कैंसर का रोगी है, 10% राम उसको उसी दिन मिल जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिस किया जाता है उसका डायलिस उसी दिन बंद हो जाता है जिस दिन मेरे पास आते हैं। और पांडु रोग का रोगी जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% राम मिल जाता है। और जो सुइयों से पानी निकालना पड़ता है जिस दिन मेरे पास आता है उस दिन के बाद सुइयों से पानी निकालना पड़ता है। क्योंकि मैं नारी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं पड़ता। जिस दवाई में केमिकल पड़ेगा इसकी एक्सपायर डेट होगी, जिसमें केमिकल नहीं पड़ता उसमें एक्सपायर डेट नहीं होगी। परंतु शर्त इतनी है कि उसमें नमी नहीं आनी चाहिए। आप ऐसे बर्तन में रखें जिसमें नमी नहीं आएगी तो इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे संसार के अंदर सिर्फ बिजनेस रह गया मेडिकल में, किसी का ये नहीं है कि किसी को ठीक कर दें। परंतु मेरा एकमात्र स्वस्थ विचार प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें जब रोगी हर जगह थक जाता है तब मेरे पास आता है, उसी दिन 20% राम मिलता है और किसी को भी 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। अब औरतों को जो यूट्रस में रसौली, ट्यूबों में सिस्ट हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि कमर में प्लास्टिक रखना, नाड़ा बांध के रखे तो इसको बीमारी कोई नहीं होगी। जब ट्यूबें हमारी यहाँ से चलती है कानों के पास से ऐसे, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है जैसे दूध फट जाता है ऐसे खून पड़ता है, जिससे ट्यूबों में सिस्ट बनते हैं और यूट्रस में रसौली बन जाती है। मेडिकल में तो इसका ऑपरेशन लाज है। मेरे पास जिस दिन रसौली की औरत आती है उसी दिन उसको 20% राम मिल जाता है और 1 महीने में रसौली चाहे कितनी बड़ी से बड़ी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर गुण है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर है। आपने यदि मेरा प्रोग्राम देखा, स्वास्थ्य विचार, घरेलू नुस्खे, सेहत की बात, तो उसमें आपने देखा होगा कि
कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया आप संतान के योग्य नहीं, आप संतान पैदा नहीं, आज उनके संतान है। जिनको कह दिया आपका लाए लाज आवे लाज नहीं है, वो आज ठीक है। जिनका ब्रेन ट्यूमर था और जो बोल नहीं सकते, होश में नहीं थे, आज वो बिल्कुल होश में है, अपना काम कर रहे हैं। और जिनको डॉक्टर ने कहा था आपकी टीबी बिगड़ गई है, आप फेफड़ा काट दिया, बायां फेफड़ा पूरा काट दिया, दायां आधा काट दिया, आज वो निकल पाउस की फैक्ट्री भी चला रहा है, गाड़ी भी चला रहा है। मैं तो पूरे संसार से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यदि आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध लें कि शाम को 7:30 से 8:30 जो मैं लाइव करता हूँ, उसमें मैं फलों से, खान पान से, सब्जियों से, पेड़ पौधों से, जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ के जलवायु से, हर एक रोग को हम बिना दवाई के कैसे समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं किसी रोग को छुपा कर नहीं रखता, किसी भी दवाई, और जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। मेरे पास पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग का इलाज ऐसे है जैसे पानी में से मछली पकड़नी है। और जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20% मिल जाता है, राह मिल जाता है। आज तक पूरे संसार के अंदर चर्म रोग की कोई दवाई नहीं है, सिर्फ लूटना है। और मेरे पास जिस दिन चर्म रोग का रोगी आता है उसी दिन उसको 25% से 30% राह मिल जाता है। और जिस दिन टीबी का रोगी आता है उसी दिन रात को आराम से सोना शुरू कर देता है। आज जितनी भी दवाइयाँ एलोपैथिक में हैं ये सिर्फ उस अंग को सुन करने की जहाँ तकलीफ होती है, किसी रोग की दवाई नहीं है जो कि रोग को जड़ से काट दे। परंतु मेरे आश्रम में हर एक रोग की दवाई है जो जड़ से ख़त्म करती है। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती। उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ आपको इस अंग में ये तकलीफ है। आज मेरा पूरे संसार से एक ही निवेदन है कि यदि आपने नजायज खर्चों से बचना है तो आर्टिफिशियल चीज़ें खाना छोड़ दें, नॉर्मल खाना खाएं, रिफाइंड सफोला इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। सरसों का तेल है, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, जो रिफाइंड ना किया गया, आप इसका प्रयोग करें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और जो आजकल आप घी लेके खा रहे हैं इसमें भी चर्बी मिल के आ रही है, असली घी बहुत कम मिलता है। और आज जितने लिफाफों में मिठाइयाँ बंद होके आ रही हैं, नमकीन है, बर्गर है, पता नहीं क्या क्या नाम रखे इनके, रिफाइंड में तली है वो भी जहर है, और जो चर्बी में तली वो भी जहर है। इसके खाने के बाद आप देखो पेट में कैसे जलन पैदा होती है, तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि आपको ज़्यादा खाने का शौक है तो भुने हुए चने ला के छिड़के के साथ उनको पीस के पाउडर बना लें, फिर जिस किस्म का आपने बनाना उस किस्म का आप घर में छोटी छोटी मशीनें आ जाती हैं उनसे बना के खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देगा। परंतु जो आप लिफाफों में बंद लेते हैं, आज जो चीज़ बनी है आप पता नहीं 15 दिन बाद खा रहे हैं, महीने बाद खा रहे हैं, 2 महीने बाद, उसके अंदर जो पॉइजन पैदा हो गया वो आपको सिर्फ डॉक्टरों के घर भरने के लिए ले जाएगा, आपको बचाने के लिए प्रयोग में होगा। और रोटी हमेशा ताज़ी बना के खाएं, जो आटा बच गया फ्रिज में रख के फिर निकाल के रोटी बनाते वो भी आपको रोग पैदा करता है। जो सब्जी बच गई फ्रिज में रख के फिर दोबारा गर्म करके खाई वो भी नुकसान करती। सब्जी उतनी बनाओ, रोटी उतनी बनाओ जितनी आपने खानी, जो बच गई गाय भैंस को या कुत्ते को खिला दो, दोबारा उसको गर्म करके खाने की कोशिश मत करें। आज जितनी बीमारियाँ आपके बेटे में खाने की और ठंडे खाने की है, आपका खाना जिस टाइम बना उसी टाइम खा लेते हैं, आपको कोई रोग नहीं है।
परंतु अभी खाना बनाया और खा रहे हैं आप 4 घंटे बाद, वो खाना आपको नहीं पचेगा। जिस आटे की चोकर निकाल दी वो खाना नहीं पचेगा। यदि नाज का छिलका, दालों का छिलका, सब्जियों का छिलका साथ है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग होगा ही नहीं। और डॉक्टर कहते हैं, हकीम कहते हैं कि खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, ये है नाश की जड़ें। आप खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, गर्म गर्म खाना खाते हैं, उसका तरीका है 2-4 ग्राई खाना खाए 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाए 2 घूंट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगाते हैं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठते हैं, 1/2 घंटा थोड़ी सैर करके 20 मिनट के लिए आप सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट दाईं साइड करवट लेते हैं, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठते हैं। आपका खाना भी जल्दी पचेगा और आपको ज़िंदगी में किसी डॉक्टर हकीम के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नारी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मेरा अपना अनुभव है कि जो ताज़ा खाना खाएगा, खाना खाते समय पानी पिएगा और खाना खाने पानी पीने में 1 घंटा लगाएगा, इसको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता।